तो बिल्डिंग का ये रहेगा एंट्रेंस गेट। आपको यहाँ पे दो गेट मिल जा रहा है, काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस आपको आने जाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे अपना एंट्रेंस लॉबी है, यहाँ पे पावर बैकअप है, बेसिक एमिनिटीज़ आपको इस बिल्डिंग के अंदर मिल जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 2 में G+13 का टावर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। काफ़ी स्पेशियस लॉबी आप देख सकते हो, बड़ा लॉबी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। रेडी टू मूव है, OC रिसीव है, डायरेक्ट पजेशन आपको मिल जाएगा क्योंकि अभी एक ही फ्लैट बचा है। यहाँ पे मिलता है 2 लिफ्ट, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी बड़ी लिफ्ट आपको यहाँ पे मिलता है। मैं आपको पहले फर्स्ट फ्लोर का जो भी आपको एमिनिटीज़ वाला सेक्शन है वो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कितना बड़ा लिफ्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और चलिए अभी ऊपर जाके देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे पहले, उसके बाद हम देखेंगे अपना फ्लैट कौन सा है। देखो फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आपको जिम और सोसाइटी ऑफिस और थोड़ा बहुत अभी चिल्ड्रन प्ले एरिया का काम चालू है। उसी तो आ चुका है, अभी ये बेसिक जो एमिनिटीज़ का जो काम है वो थोड़ा सा बाकी है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का आपके यहाँ पे स्पेस मिल जा रहा है, यहाँ पे गार्डन वगैरह रहेगा बच्चों के लिए खेलने के लिए, मीन्स इंडोर गेम आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अभी अपना फ्लैट जाके देख लेते हैं अपना लॉबी वगैरह कैसा रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल पे ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बिल्डिंग के अंदर आपको एक फ्लोर पे मिलते हैं 5 फ्लैट, आप देख सकते हो। ये रहेगा अपना लॉबी स्पेस और फ्रंट फेसिंग में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 2 BHK, तो 2 फ्लैट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम अपना शोराइक वगैरह काफ़ी अच्छी तरह से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इंटर करते हैं अभी अपने हॉल के अंदर। तो ये रहेगा आपका हॉल। हम इस वीडियो के अंदर सभी साइज प्राइस सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि एक भी पॉइंट्स आपसे मिस होना नहीं चाहिए। तो आपको प्राइस भी समझ में आ जाएगी और फ्लैट भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्लैट का डिज़ाइन जो है वो आप देख सकते हो, इस साइड में अपना किचन आता है, इस साइड में अपना 2 बेडरूम्स आते हैं, और ये जो डोर है अपना ये नॉर्थ फेसिंग में आपको आ जाता है, मैक्सिमम ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा ये फेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। किचन का जो फेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे हमें डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। अभी हम सभी फ्लैट को पूरा टाइल्स वगैरह काउंट करके समझ लेते हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल में कारपेट एरिया कितना मिलता है आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रॉपर कारपेट एरिया भी आप निकाल पाओगे दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने हॉल से। तो आप देख सकते हो ये हमारा हॉल है। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो ये जो यहाँ पे आपको टाइल्स जो मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे 2 फीट का टाइल्स मिलता है। तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप देख सकते हो लगभग 18 फीट के आसपास, आप उन 18 नहीं पकड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे टाइल्स थोड़ा सा कटा हुआ है और वहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, मतलब वो 17.5 फीट ऐसा लंबाई में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम डाइनिंग स्पेस छोड़ के अगर खाली इतना ही स्पेस हम अगर कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4 और थोड़ा सा 4-5 इंच का आपको जगह मिलता है। अगर डाइनिंग इंक्लूड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और वहाँ पे थोड़ा सा आधा 1 फीट का कटा हुआ है। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 10.5 फीट के आसपास ऐसा चौड़ाई मिल जा रही है। और यहाँ पे डाइनिंग छोड़ देते तो 1.25 के आसपास आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है। ओके है, काफ़ी अच्छा है, जो प्राइस है मैं आपको काफ़ी अच्छा बताने वाला हूँ। इस साइड में रहेगा अपना किचन। तो आप देख सकते हो किचन जो है आपको L-टाइप मिल जाता है, सबको आपको साइड में टाइल्स मिलता है, एकदम पिलर तक आपको यहाँ पे टाइल्स दिखाई देगी दोस्तों। और टाइल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे जो कंपार्टमेंट जो बना है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप अपना जैसे कि आप देख सकते हो जो किचन का स्पेस है वो काफ़ी अच्छा होने के कारण जो मूवमेंट करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। यहाँ पे आप फिटिंग्स वगैरह देख सकते हो, जैगवार फिटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे अपना वाटर फिल्टर के लिए स्विचेस वगैरह दी रखी है। यहाँ पे आपका 2 फीट का फ्लावर बेड भी आपको यहाँ पे मिलता है। अभी किचन के अंदर हमें कितना स्पेस मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। अभी देख सकते हो यहाँ पे जो टाइल्स है थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ये जो टाइल्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, मतलब 4 फीट ऐसा 8 फीट के हम ऐसा कंसिडर करेंगे। ऐसे छोड़ने की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 लगभग 8x8 का किचन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, स्पेशियस है, और अटैच 2 फीट का आपको यहाँ पे डेप्थ एरिया मिल जाता है, सॉरी अपना फ्लावर बेड मिल जाता है। तो अब 1, 2, 3, 4 ये सेम लाइक दैट ये रहेगा। और यहाँ से ना आपको सबसे अच्छा जो है रहेगा, यहाँ से आपको हवा काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको ये जो थोड़ा स्पेस आप अगर कवर कर लेते हो प्रॉपरली, तो यहाँ पे भी आपका काफ़ी बढ़िया वॉशिंग मशीन वगैरह बैठ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे छिड़कों का गार्डन है बाजू में, अपकमिंग बस स्टॉप आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी आपको बस स्टॉप के नियर बाय आपका एक लैंडमार्क बन जाता है ये प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए कनेक्शन दी है, और यहाँ पे स्विचेस वगैरह भी ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा है। अभी चलते हैं अपने
बेडरूम्स की तरफ देखते हैं, बेडरूम के अंदर कितना साइज हमें मिलता है। उससे पहले हम देखेंगे जो हॉल को अटैच हमें बड़ी बालकनी मिलती है उसका साइज कैसा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइल्स मिलता है ये 2 फीट का टाइल्स है। बालकनी काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम टाइल्स काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1, 2, ये लगभग आपको 4.25 के आसपास ये मिल जाता है ऐसा चौड़ाई में। अगर लंबाई की बात करेंगे 1, 2, 3, 4 और थोड़ा बहुत लग सेम इसके जितना जैसा साइज मिलता है 8.25x4 का आपको यहाँ पे ये बड़ा बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी चलते हैं अपने बेडरूम साइड की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैसेज एरिया मिलता है लगभग आपको 3.5 फीट के आसपास पैसेज एरिया मिलता है। और यहाँ साइड में रहेगा अपना कॉमन बेडरूम और अटैच हमें 2 फीट का फ्लोर बेड भी मिलता है। इस साइड में अपना मास्टर बेडरूम है और यहाँ पे अपना कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, तो हम इसे पहले भी देखेंगे। तो यहाँ पे अंदर 1 फीट का टाइल्स है, साइज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेम सभी उल्वे के अंदर सेम जो साइज़ मिलता है टॉयलेट बाथरूम के अंदर 4x7 का। तो यहाँ पे आपको इंडियन टॉयलेट मिलता है और एक वेस्टर्न टॉयलेट मिलता है। बाथरूम के अंदर ही आपको यहाँ पे हैंड वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है और टाइल्स भी काफ़ी अच्छा है, वॉल टू वॉल टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अभी चलते हैं अपने बेडरूम के अंदर। तो आप देख सकते हो जो बेडरूम का सब जो साइज़ है वो भी हम काउंट करके आपको एक आइडिया दे देंगे कि ये जो हमें कारपेट एरिया मिल रहा है कितना मिल रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 फीट का टाइल्स है, 1, 2, 3, 4, 5 और थोड़ा सा 3 इंच का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, वही स्पेस आपको यहाँ पे दीवार के अंदर चला जाता है। तो लगभग आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 मतलब आपको 10 फीट की ऐसी लंबाई मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइल्स कटा हुआ है और इस साइड से 3 इंच का टाइल्स मतलब ये 1 फीट का पकड़ लो। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये 9 फीट 10x9 का आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाता है। ये सब डिटेल्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स का कहना है कि वीडियो में बहुत सारा बड़ा फ्लैट दिखता है लेकिन एक्चुअल में आ जाते हो तो छोटा लगता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ये एक्चुअल में कितना स्पेस हमें बेडरूम के अंदर मिल रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना क्योंकि इतना मैं आपको डिटेल घर बैठे आपको यहाँ पे मिल जाती है, बस आपको एक्चुअल में आके यहाँ पे लोकेशन और प्रॉपर्टी देखना है। तो यहाँ पे 2 फीट का टाइल्स है और ये सेम लाइक दैट आपको 9 फीट का ऐसी लंबाई मिलेगी। तो ये सब आप कैलकुलेशन एक नोट करते हो सब एरियाज तो आपको प्रॉपर कारपेट एरिया भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो चलिए अभी अपने मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये रहेगा अपना मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे हमें क्या साइज़ मिलता है वो भी हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो हमें टाइल्स थोड़ा सा कटा हुआ मिलता है लगभग आपकी ये 6 फीट का आपको यहाँ पे ये टाइल्स मिल जा रहा है। तो अगर हम ऐसी काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और वो लगभग 9 फीट का आपको ऐसी चौड़ाई में मिल जा रहा है। और लंबाई की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब आपको ये 11 फीट के करीब आपको यहाँ पे ये लंबाई में मिल जा रहा है, मतलब आपको 9x11 का ये बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। और जो पैसेज एरिया की हम बात करेंगे यहाँ पे जो पैसेज एरिया मिल रहा है तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 1, 2, 3 ऐसा 3 की काउंट करेंगे तो 5.5 फीट के आसपास 5 फीट के आसपास रहेगा और ऐसा 3.5 फीट के आसपास। तो आप सभी कैलकुलेशन करके अपने कारपेट एरिया निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना एक बालकनी रहेगा जो कि अटैच है अपने मास्टर बेडरूम को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 फीट का टाइल्स जो है वो थोड़ा सा कटा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 1 फीट का टाइल्स है यहाँ पे इतना स्पेस मिल जा रहा है और ये 2 फीट का प्रॉपर टाइल्स है। अगर ऐसे हम काउंट करेंगे तो ये 4 फीट ऐसा रहेगा लंबाई में चौड़ाई में सॉरी, और लंबाई की बात करेंगे तो ये 5 फीट ऐसा रहेगा। तो 4x5 का आपको यहाँ पे ये एक बालकनी मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो फ्लैट है 2 BHK प्रॉपर आपको यहाँ पे टावर में मिल जा रहा है, यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज भी है और रेडी टू मूव है। प्राइस की अगर बात करेंगे तो 95 लाख में ये प्रॉपर्टी आपके नाम यहाँ पे हो जाएंगी। अभी यहाँ पे जो टॉयलेट की साइज़ जो मिलती है वो सेम आपको यहाँ पे जो मैंने पहले बता दिया 4x7 की टॉयलेट्स की साइज़ मिल जाती है और अटैच इसे काफ़ी अच्छा डक्ट एरिया भी मिल जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा डक्ट एरिया आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ये पैकेज आपको यहाँ पे मिल जा रहा है 95 लाख में, सब आपके नाम हो जाएगा, प्राइस जो है वो निगोशिएट हो जाएगी ऑन टेबल। अभी बहुत सारे लोगों का जो कहना है जो कुछ व्यूअर्स है मेरे कि सीलिंग हाइट कम ज़्यादा एक ही हिसाब से रहती है, तो थोड़ा बहुत
सिमिलरिटी रहती है और थोड़ा बहुत थोड़ा सा हाई रहता है किसी का 2 इंच 3 4 5 इंच, इससे कुछ फ़र्क रहता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, 95 लाख में काफ़ी अच्छा पैकेज आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।